मेरे दादाजी ने आज से 40 साल पहले 35,000 रुपए देकर एक घर खरीदा था और 2 दिन पहले ही मैंने भी 35,000 रुपए खर्चे हैं, पर मैं उन 35,000 रुपयों में सिर्फ उस घर के लिए एक एसी ही खरीद पाया। मतलब एक जमाने में 35,000 रुपयों की वैल्यू एक घर के बराबर हुआ करती थी, पर आज उन 35,000 रुपयों की वैल्यू घटकर सिर्फ एक एसी के बराबर ही रह चुकी है। और इसे ही महंगाई मतलब इन्फ्लेशन कहते हैं। पर आखिर ये हुआ क्यों? इसे ठीक से समझने के लिए आपको परचेजिंग पावर के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। हर करेंसी की एक परचेजिंग पावर होती है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उस करेंसी के 1 रुपए से कितनी चीजें खरीदी जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज से 60-70 साल पहले कई लोगों की मंथली सैलरी ही 4 या 5 रुपए हुआ करती थी। मतलब उस जमाने में इंडियन करेंसी के 1 रुपए की परचेजिंग पावर इतनी ज्यादा होती थी कि लोग 4 रुपए में अपनी पूरी फैमिली के 1 महीने का खर्चा निकाल लेते थे। पर आज 1 रुपए की परचेजिंग पावर इतनी घट गई है कि आप 5 रुपए खर्च कर भी मुश्किल से सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट ही खरीद सकते हो, जिससे किसी के घर का खर्चा तो दूर, किसी बच्चे का पेट भी ना भरे। और इन्फ्लेशन की रियल डेफिनेशन यही है। द डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर ऑफ अ गिवन करेंसी ओवर टाइम इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। पर इन्फ्लेशन होता ही क्यों है? क्यों हर साल चीजें महंगी हो जाती हैं? तो चलो अब समझते हैं कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई किन चीजों की वजह से होती है। पर वेट, इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप किसी भी एक ऐसी चीज के बारे में मुझे बता सकते हो जिसका रेट पिछले 10 साल में बिल्कुल भी ना बढ़ा हो? मतलब जिस चीज पर महंगाई का बिल्कुल भी कोई असर पड़ा ही नहीं। अपनी आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो अब बात करते हैं महंगाई मतलब इन्फ्लेशन के रीजंस के बारे में। और इन्फ्लेशन का सबसे पहला रीजन है इकोनॉमिक ग्रोथ। जब किसी देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रही होती है तो उस देश के लोगों की कमाई भी बढ़ जाती है। वेट, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो उस वजह से इकोनॉमी के लोगों के बिजनेसेस और जॉब्स भी इकोनॉमी के साथ साथ ग्रो करते हैं। मतलब लोगों की सैलरीज और बिजनेस की कमाई पहले से बढ़ जाती है, जिस वजह से लोगों के पास चीजें खरीदने और खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे होते हैं। और जब बहुत सारे लोगों के पास ज्यादा पैसे होते हैं तो मार्केट में एक ही चीज को खरीदने वाले कई लोग मौजूद होते हैं, जिस वजह से चीजों मतलब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है। और इस टाइप की इन्फ्लेशन को डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। चलो इसे अब एक एग्जांपल से समझो। मान लो किसी कार मैन्युफैक्चरर ने एक लग्जरी कार लॉन्च करी, पर लॉन्च के समय उस कार की कीमत 20 लाख रुपए रखी गई थी, क्योंकि उस टाइम 20 लाख रुपए ही लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा अमाउंट थी और सिर्फ कुछ लोग ही ये कार अफोर्ड कर पाते थे। पर फिर कुछ साल बाद इकोनॉमी में ग्रोथ हुई और लोगों की कमाई बढ़ गई। अब जहां सिर्फ पहले 100 में से सिर्फ 2 लोग ही उस कार को अफोर्ड कर पाते थे, अब 100 में से 20 लोग उस कार को अफोर्ड करने लायक हो गए। और इस वजह से मार्केट में उस कार की डिमांड भी बढ़ गई। और इस बढ़ी हुई डिमांड की वजह से फाइनली फिर कार मैन्युफैक्चरर ने भी डिमांड को देखते हुए उस कार की कीमत बढ़ा दी। तो इसे ही डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहेंगे। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन के दूसरे रीजन के बारे में, और ये है चीजों के रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ना। मान लो सरकार ने कोई नई टैक्स स्कीम लॉन्च की, जिस वजह से कुछ रॉ मटेरियल्स का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं स्टील जैसे रॉ मटेरियल का रेट इस वजह से बढ़ गया। अब जो भी कंपनी स्टील बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उन्हें मजबूरन प्रॉफिट बनाए रखने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के रेट भी बढ़ाने पड़ेंगे, और इसी वजह से होने वाली इन्फ्लेशन को कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मतलब रॉ मटेरियल्स की बढ़ी हुई कॉस्ट की वजह से होने वाली इन्फ्लेशन। चलो अब बात करते हैं इन्फ्लेशन के तीसरे रीजन के बारे में, और ये है प्रिंटिंग मोर मनी। अब ये एक इंटरेस्टिंग रीजन है, तो इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अक्सर किसी देश की सरकार उस देश की इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने की कोशिश करती है और अपने अलग अलग एजेंडाज को पूरा करने के लिए इकोनॉमी में मौजूद नोटों की क्वांटिटी को बढ़ा देती है। मतलब वो ज्यादा नोट्स प्रिंट करना शुरू कर देती है, जिस वजह से इकोनॉमी में मौजूद कैश बढ़ जाता है। पर इससे होता क्या है? सिंपल सी लैंग्वेज में बताया जाए तो जहां किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पहले इकोनॉमी में सिर्फ 100 नोट मौजूद थे, अब उसी प्रोडक्ट के लिए इकोनॉमी में 200 नोट मौजूद हैं, क्योंकि 100 नए नोट प्रिंट किए गए हैं। तो इस वजह से फिर उस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। पर क्या कभी भी जीरो इन्फ्लेशन हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि चीजें महंगी कभी हो ही ना? और क्या ऐसा होना हमारे लिए अच्छा है या बुरा? सुनने में भले ही आपको जीरो इन्फ्लेशन थोड़ा अच्छा लगे, एंड शायद आपको लगे कि जब चीजें महंगी नहीं होंगी तब आप ज्यादा सैलरी बचा पाओगे और ज्यादा सेविंग भी कर पाओगे, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। जीरो इन्फ्लेशन हम सबके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। सोचो, अगर इन्फ्लेशन होगा ही नहीं तो कंपनी सैलरी ही क्यों बढ़ाएंगी? और अगर सैलरीज नहीं बढ़ेंगी, मतलब जब सैलरीज भी नहीं बढ़ेंगी तो चीजों के रेट भी नहीं बढ़ेंगे, तो लोगों के पास कोई मोटिवेशन ही नहीं रहेगा किसी चीज में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि वो सोचेंगे कि रेट तो बढ़ना ही नहीं है, तो आज इन्वेस्ट करने का क्या फायदा। एंड फिर हो सकता है कि इस वजह से इकोनॉमी डिफ्लेशन में चले जाए, मतलब साल दर साल चीजों का रेट सस्ता होने लगे।
और अगर ऐसा होता है तो बहुत लोग जो लोग आज ये सोचकर इन्वेस्ट करते हैं कि कल वैल्यू बढ़ जाएगी सो इसलिए आज ही इन्वेस्ट कर लो, वो लोग ये सोचकर चीजें खरीदना ही बंद कर देंगे कि आने वाले टाइम में जब चीजें और सस्ती हो जाएंगी तो खरीदेंगे, और इस वजह से फिर उन चीजों की डिमांड कम हो जाएगी एंड कुछ कंपनीज लॉस में चली जाएंगी एंड कंपनीज के लॉस में जाने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा। खैर इन शॉर्ट डिफ्लेशन एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है एंड डिफ्लेशन पर मैं बाद में एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा। फिलहाल आप ये समझो कि जीरो इन्फ्लेशन मतलब डिफ्लेशन हमारे लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि इन्फ्लेशन हमारे साथ जिंदगी भर रहने वाला है, और जब ये इन्फ्लेशन रहने ही वाला है तो चीजें महंगी होती ही रहेंगी। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि महंगाई के जमाने में अपने पैसों की वैल्यू या अपने कमाए हुए पैसों की परचेजिंग पावर को कम होने से कैसे बचाएं। क्योंकि मान लो आपने 100 रुपए कमाए और आज जो 100 रुपए आपने कमाए अगर आप उसको सिर्फ एक सेविंग अकाउंट में रख देते हो जहां आपको उन 100 रुपयों पर 2% इंटरेस्ट मिलता है तो 1 साल बाद उन 100 रुपयों की वैल्यू बढ़कर 102 रुपए हो जाएगी। पर वहीं दूसरी तरफ अगर इन्फ्लेशन का रेट 4% है तो कायदे से जो आप आज इन 100 रुपयों से खरीद सकते हो ठीक उसी चीज को खरीदने के लिए आपको अगले साल 104 रुपयों की जरूरत पड़ेगी। पर अब अगर देखा जाए तो सेविंग्स अकाउंट में रखा हुआ पैसा तो कुछ साल बाद भी आपकी जरूरतें ठीक से पूरी ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाहिए आपको 104 रुपए पर आपके पास होंगे सिर्फ 102 रुपए। इसलिए इन्फ्लेशन से जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना जो आपको इन्फ्लेशन से कई गुना ज्यादा इंटरेस्ट दे। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्फ्लेशन 4% है तो आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको कम से कम 8% इंटरेस्ट तो मिलना ही चाहिए, और सिर्फ तभी आपका पैसा सही तरीके से ग्रो करेगा और महंगाई को आप पीछे छोड़ पाओगे। इन शॉर्ट अगर आपको इन्फ्लेशन से बचना है तो आपको अपने पैसों को सिर्फ सेव नहीं करना चाहिए बल्कि इन्वेस्ट करना चाहिए। और हाँ, इन्वेस्ट करने से पहले आपको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अच्छी नॉलेज ले लेनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ सोच समझ कर करी गई इन्वेस्टमेंट ही सही साबित होती है। बाय द वे इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर मैं बहुत जल्द एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ, पर फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा एंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।